दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बेहद ही पावरफुल होम रेमेडी लेकर आई हूँ। इसके इस्तेमाल से आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं, शारीरिक कमजोरी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको आलस, थकान, कमजोरी पूरे दिन भर बनी हुई रहती है तो इसे खाने से आपको कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, चेहरा हमेशा डल दिखता है, तो उनके लिए यह रामबाण उपाय है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं और बॉडी अच्छी बनाना चाहते हो तो इस डाइट को जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी भी शख्स को देखते हैं और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसके चेहरे की चमक, लंबे घने बाल और उसकी अच्छी सेहत, फिर हम सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आपके चेहरे पर भी चमक, लंबे घने बाल, चेहरे पर ग्लो आ सकता है। जी हाँ, मैं लड़के और लड़कियां दोनों के बारे में ही बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको कोई महंगी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा पैसे भी आपको खर्च नहीं करने हैं। इसके लिए आज मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिसे खाने से आपकी सेहत पर चार चांद लग जाएंगे। और आप सोचेंगे दोस्तों कि इसे मैंने पहले क्यों नहीं खाया, तो यह चीज़ है चना, मूंगफली, मूंग, किशमिश और बादाम। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि आपको इसे किस तरह से और कितनी मात्रा में इसे आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए दो बाउल ले लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। तो 10 से 15 मैंने किशमिश ली है, इसे हमें बाउल में डाल देना है और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे भिगो कर रखना है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर आप इसे भिगो दीजिए लगभग एक रात के लिए। और ये जो दूसरा वाला बाउल लिया है इसमें हम ये चारों सामग्री ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटा चम्मच कच्ची मूंगफली, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे चार बादाम, एक छोटा चम्मच मैंने काला चना लिया है इसे डाल देंगे, और एक छोटा चम्मच ही हम यहाँ पे ले रहे हैं साबुत मूंग। तो चारों चीज़ें हमने अलग बाउल में डाल दी है, इसे भी हमें अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो कर रख देना है। थोड़ा सा पानी डालकर भी इसे हम भिगो कर रख देंगे एक रात के लिए। तो दोनों सामग्री को हम अच्छे से भिगो कर रख देंगे जिससे कि एकदम अच्छे तरीके से फूल जाएगी। तो ये देखिए जितनी क्वान्टिटी में मैंने ये सामान लिया था पहले से मैंने भिगो कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किशमिश का एक एक दाना एकदम अच्छे तरीके से फूल गया है और बाकी चारों सामग्री भी एकदम अच्छे तरीके से फूल गई है। तो आइए दोस्तों आगे वीडियो में देख लेते हैं कि इसका सेवन हमें किस तरह से करना है। तो ये जो किशमिश है सबसे पहले हमें इसे चबा चबा कर खाना है। तो हमने इसे वॉश करने के बाद अच्छे से भिगो दिया था और ये एकदम अच्छे तरीके से फूल गई है। तो इसका सेवन हमें एकदम अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाना है और इसका जो पानी है हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसका पानी भी हमें पी लेना है। इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को चबा चबा कर खाना है। तो दोस्तों अगर आप जिम जाते हो तो जिम जाने से 45 मिनट पहले आप इसे अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। पूरा एक साथ नहीं खा सकते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को आधा कर दीजिए, आधा आप जिम जाने से पहले खाइए और आधा जिम जाने के बाद आप इसे खा सकते हैं, और साथ साथ में इसका पानी भी आप पीते जाइए। और ये जो दूसरे बाउल में हमने ये जो सामग्री भिगो कर रखी है इसे भी साथ साथ में आपको खाना है, और सभी चीज़ों का सेवन आपको एकदम अच्छे तरीके से चबा चबा कर करना है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब हम चना खाते हैं तो ये हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, खट्टी डकारें आती हैं। तो इसका एक ही कारण है दोस्तों कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है। तो ऐसे में इसे खाने का तरीका यह है, और आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि सभी चीज़ों को आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है और इसके साथ साथ इसका पानी भी आपको पीते जाना है। दोस्तों इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको अपने शरीर पर अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। आपके शरीर की कमजोरी दूर होने लगेगी, शरीर की सुस्ती, आलस, थकान सब दूर हो जाएंगे, आपके चेहरे पर कभी भी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। अगर आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हैं तो उसमें भी यह आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा, चेहरा एकदम तरोताज़ा और खिला खिला हो जाएगा। कब्ज़ की अगर आपको समस्या रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी, शरीर में खून की कमी दूर होगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके सिर के बाल झड़ रहे हैं तो इसके सेवन से बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और आपका दिमाग, मेमोरी पावर आपकी तेज़ हो जाएगी। इसे बच्चों को भी दिया जा सकता है लेकिन उसके लिए आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और वज़न बढ़ने के कारण आपके घुटने कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है, हड्डियाँ एकदम से कमज़ोर हो रही हैं, तो उसमें भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। इस नुस्खे का सेवन कीजिए, इससे आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा
और आपके शरीर से सुस्ती, आलस, थकान सब गायब हो जाएंगे। आप एकदम तरोताज़ा और खिला खिला महसूस करेंगे और आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ने लग जाएगा। आपकी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय।